Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Corvax. तो हम जानेंगे कोर्बेवैक्स के बारे में. इट इज इंडिया इंडाइजेनस कोविड 19 वैक्सीन. जो आपका कोर्बेवैक्स है, ये इंडिया का इंडाइजेनस कोविड 19 वैक्सीन है. इट इज अ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन. ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है. इट मीन्स इज मेड अप ऑफ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ सार कोव टू डिस्पाइक प्रोटीन ऑन द वायरस सर्फेस. इसका मतलब है कि इसको तैयार किया गया है स्पेसिफिक पार्ट सार कोव टू से, जो कि स्पाइक प्रोटीन है वायरस के सर्फेस का. द स्पाइक प्रोटीन अलाउ द वायरस टू इंटर द सेल इन द बॉडी सो दैट इट कैन रेप्लिकेट एंड काउंट डिजीज. ये जो स्पाइक प्रोटीन है, ये अलाउ करता है वायरस को कि वो इंटर करे सेल पे बॉडी के, ताकि वो रेप्लिकेट कर सके और डिजीज काउज कर सके. हाउएवर व्हेन दिस प्रोटीन अलोन इज गिवन टू द बॉडी, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी हार्मफुल एज द रेस्ट ऑफ द वायरस इज एब्सेंट. लेकिन जब इस प्रोटीन को अलोन दिया जाता है बॉडी में, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये हार्मफुल नहीं होगा, क्योंकि जो रेस्ट ऑफ द वायरस है वो एब्सेंट है. The body is expected to develop an immune response against the injected spike protein. और जो body जो है वो expect किया जा रहा है कि वो develop करेगा एक immune response को injected spike protein के खिलाफ. उससे क्या होगा, जब अगर हम infect होंगे तो वो इस spike protein को अंदर आने से रोकेगा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पर्श सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा. तो हम जानेंगे जो स्पर्श सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन है इसके बारे में. द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइन एन एग्रीमेंट विद सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू एक्सपेंड द कवरेज ऑफ पेंशन सर्विस अंडर स्पर्श और सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा अक्रॉस 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर. जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उन्होंने साइन किया एक एग्रीमेंट को सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, ताकि वो एक्सपेंड कर सके जो कवरेज है पेंशन सर्विस का अंडर स्पर्श या सिस्टम ऑफ पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा के अक्रॉस 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर के लिए. दिस विल प्रोवाइड लास्ट माइल कनेक्टिविटी टू पेंशनर, स्पेशली दोज हु लिव इन रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री एंड दोज हु डू नॉट हैव एक्सेस और टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल टू यूज स्पर्श. ये प्रोवाइड करेगा लास्ट माइल कनेक्टिविटी को पेंशनर के लिए, स्पेशली उनके लिए जो कि रहते हैं रिमोट एरियाज में कंट्री के, वो उनके लिए जिनके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, वो उनके पास स्किल नहीं है यूज कर पाने का स्पर्श को. स्पर्श इज इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. स्पर्श जो है वो इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का. किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. इट एम्स टू प्रोवाइड कम्प्रीहेंसिव सर्विस टू डिफेंस पेंशनर. इसका मकसद है प्रोवाइड करना कम्प्रीहेंसिव सर्विस डिफेंस पेंशनर को. इट प्रमोट द गवर्नमेंट विजन और डिजिटल इंडिया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एंड मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस. ये जो है प्रमोट कर रहा है गवर्नमेंट के विजन को डिजिटल इंडिया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस को. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्निशन ऑफ राइट एक्ट. तो हम जानेंगे जो शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्निशन ऑफ राइट एक्ट है, इसके बारे में डिटेल्स में. पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है, लेकिन फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या राइट है, ये सब हम फिर से कंसीडर करेंगे. द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज सेड दैट इट सेटल 164 क्लेम्स फाइल्ड अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 1 एंड 1811 केसेस फाइल अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 2 ऑफ द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006. तो न्यूज में क्यों आया था, तो जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट है, उन्होंने बताया है कि उन्होंने सेटल किया 164 क्लेम को, जिसको कि फाइल किया गया था सेक्शन 3 क्लॉज 1 के अंतर्गत, और 1811 केसेस को, जिसको कि फाइल किया गया था सेक्शन 3 क्लॉज 2 के अंतर्गत फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अंतर्गत. फॉरेस्ट राइट एक्ट है क्या? द एक्ट पास इन 2006 ग्रांट लीगल रिकॉग्निशन टू द राइट ऑफ ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी. ये जो एक्ट है फॉरेस्ट राइट एक्ट, इसको पास किया गया था 2006 में, वो ग्रांट करता है लीगल रिकॉग्निशन जो राइट होगा ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी का राइट अंडर द एक्ट. क्या क्या अधिकार इस एक्ट के अंतर्गत दिया गया है? तो टाइटल राइट दैट इज ओनरशिप टू लैंड दैट इज बीइंग फार्म्ड बाय ट्राइबल और फॉरेस्ट ड्वेलर्स एज ऑन 13 दिसंबर 2005 सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 4 हेक्टर. ओनरशिप इज ओनली फॉर लैंड दैट इज एक्चुअली बीइंग कल्टीवेटेड बाय द कंसर्न फैमिली एज ऑन डेथ, मीनिंग दैट नो न्यू लैंड आर ग्रांटेड. पहला अधिकार है उनके पास टाइटल राइट यानी ओनरशिप का उस लैंड के लिए जो कि फार्म किया जा रहा है ट्राइबल या फॉरेस्ट ड्वेलर के द्वारा एज ऑन 13 दिसंबर 2005 के समय में. तो मैक्सिमम जो लैंड होगा वो 4 हेक्टेयर तक इसमें लिमिट रखा गया है. ओनरशिप जो है आपको उसी लैंड का मिलेगा जिसको कि कल्टीवेट किया जा रहा है कंसर्न फैमिली के द्वारा उस डेट के समय पे. इसका मतलब है कि कोई भी न्यू लैंड जो है ग्रांट नहीं किया जाएगा. यूज राइट यानी आपको पास अधिकार होगा उपयोग करने का टू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑल्सो इंक्लूडिंग ओनरशिप टू ग्रेजिंग एरियाज टू पेस्ट्रोल रूट एक्सेट्रा. जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है जिसमें कि ओनरशिप ग्रेजिंग एरिया पेस्ट्रोल रूट वो भी इंक्लूड रहेंगे. रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट उनके पास रिलीफ और डेवलपमेंट का भी अधिकार होगा. टू रिहेबिलिटेशन इन केस ऑफ इलीगल इविक्शन और फोर्स डिस्प्लेसमेंट एंड टू बेसिक एम्यूनिटीज सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन फॉर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन. रिहेबिलिटेट किया जाएगा अगर उनको इलीगली
किया गया है या फॉरेस्ट डिस्प्लेस किया गया होगा तो, और उनको बेसिक एम्यूनिटीज जो कि रिस्ट्रिक्टेड होगा फॉरेस्ट प्रोटेक्शन से लेकर वो प्रोवाइड किया जाएगा, फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट, उनके पास फॉरेस्ट मैनेजमेंट का भी अधिकार होगा, यानी वो प्रोटेक्ट करेंगे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को भी। एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया क्या है इसके लिए? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज सी ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट, टू क्वालिफाई एज फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब एंड बी एलिजिबल फॉर रिकॉग्निशन ऑफ राइट अंडर FRA, 3 कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड बाई दी एप्लीकेंट हु कुड बी मेंबर और कम्युनिटी। जो सेक्शन 2 क्लॉज सी है फॉरेस्ट राइट एक्ट का, क्वालिफाई करने के लिए फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल ट्राइब के तौर पे और एलिजिबल होने के लिए रिकॉग्निशन के लिए इस राइट के अंतर्गत FRA के 3 कंडीशन जो है उसको सेटिफाई करना होगा एप्लीकेंट को, तभी वो मेंबर्स बन सकते हैं कम्युनिटी के। वो 3 कंडीशन क्या है? तो सबसे पहला है मस्ट बी अ शेड्यूल ट्राइब इन द एरिया वेयर द राइट इज क्लेम, यानी उनको शेड्यूल ट्राइब होना होगा उस एरिया पर जहां पर वो राइट को क्लेम कर रहा है। सेकेंड है आपका प्राइमरीली रेसाइडेड इन फॉरेस्ट और फॉरेस्ट लैंड प्रायर टू 13 दिसंबर 2005, यानी वो प्राइमरीली रेसाइड करते हो फॉरेस्ट या फॉरेस्ट लैंड पे, प्रायर होना चाहिए 13 दिसंबर 2005 के डेडलाइन के। डिपेंड ऑन दी फॉरेस्ट और फॉरेस्ट लैंड फॉर बोनाफाइड लाइवलीहुड नीड, वो डिपेंड करते हो फॉरेस्ट या फॉरेस्ट लैंड के ऊपर बोनाफाइड लाइवलीहुड नीड के लिए। एंड टू क्वालिफाई एज अडल्ट ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एंड बी एलिजिबल फॉर रिकॉग्निशन ऑफ राइट अंडर FRA, 2 कंडीशन नीड टू बी फुलफिल। और क्वालिफाई करने के लिए अडल्ट ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर के तौर पे और एलिजिबल होने के लिए रिकॉग्निशन ऑफ राइट को FRA के अंतर्गत 2 कंडीशन को फुलफिल करना होगा। तो वो 2 कंडीशन क्या है? तो पहला प्राइमरली रिसाइड करना चाहिए फॉरेस्ट या फॉरेस्ट लैंड पे 3 जनरेशन से, यानी 75 ईयर से वो वहां पे रहने चाहिए, प्रायर होना चाहिए मतलब 13 दिसंबर 2005 के पहले उनका 75 ईयर वहां पे हो जाना चाहिए। डिपेंड ऑन दी फॉरेस्ट और फॉरेस्ट लैंड फॉर बोनाफाइड लाइवलीहुड नीड, वो डिपेंड करने चाहिए फॉरेस्ट और फॉरेस्ट लैंड पे बोनाफाइड लाइवलीहुड नीड के लिए। प्रोसेस क्या है रिकॉग्नाइज करने के लिए इस राइट को? द ग्राम सभा और विलेज असेंबली विल इनिशियली पास अ रिजोल्यूशन रिकमेंडिंग हुज राइट टू विच रिसोर्सेज शुड बी रिकॉग्नाइज। जो ग्राम सभा या विलेज असेंबली है वो इनिशियली पास करेंगे एक रिजोल्यूशन को जो कि रिकमेंड करेगा कि किनका जो अधिकार है किस रिसोर्सेज के ऊपर जिसको रिकॉग्नाइज किया जाए। दिस रिजोल्यूशन इज देन स्क्रीन एंड अप्रूव एट द लेवल ऑफ द सब डिविजन और तालुका एंड सब्सिक्वेंटली एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। और ये रिजोल्यूशन जो है उसको फिर स्क्रीन किया जाएगा, अप्रूव किया जाएगा लेवल पर सब डिवीजन या तालुका के और सब्सिक्वेंटली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। दि स्क्रीनिंग कमिटी कंसिस्ट ऑफ 3 गवर्नमेंट ऑफिशियल, फॉरेस्ट रेवेन्यू ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट एंड 3 इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकल बॉडी एट दैट लेवल। दिस कमिटी ऑल्सो हियर अपील। ये जो स्क्रीनिंग कमिटी होगा उसमें 3 गवर्नमेंट के ऑफिशियल होंगे, फॉरेस्ट रेवेन्यू और ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट के, और 3 इलेक्टेड मेंबर होंगे लोकल बॉडी के उस लेवल के। ये जो कमिटी होगा वो अपील को हियर करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोलर प्रोटॉन इवेंट। हम जानेंगे जो सोलर प्रोटॉन इवेंट है इसके बारे में। सोलर पार्टिकल इवेंट और सोलर प्रोटॉन इवेंट SPE और प्रमोट प्रोटॉन इवेंट ऑकर्स व्हेन पार्टिकल एमिटेड बाय द सन मोस्टली प्रोटॉन बिकम एक्सेलरेटेड आइदर इन द सोलर एटमोस्फियर ड्यूरिंग अ सोलर फ्लेयर और इंटरप्लेनेटरी स्पेस बाय अ कोरोनल मास इजेक्शन शॉक। जो सोलर पार्टिकल इवेंट है जिसको हम सोलर प्रोटॉन इवेंट या प्रॉम्प्ट प्रोटॉन इवेंट भी कहते हैं, वो तब ऑकर करता है जब पार्टिकल जो कि इमिट हुआ है सन से मोस्टली प्रोटॉन वो एक्सेलरेट हो जाता है आइदर सोलर एटमोस्फियर से ड्यूरिंग सोलर फ्लेयर के दौरान या इंटरप्लेनेटरी स्पेस में कोरोनल मास इजेक्शन शॉक के दौरान, तब ये इवेंट होता है। दिस पार्टिकल कैन पेनिट्रेट द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड कॉज पार्शियल आयोनाइजेशन ऑफ द आयोनोस्फियर। एनर्जेटिक प्रोटॉन आर ए सिग्निफिकेंट रेडिएशन हैजार्ड टू स्पेसक्राफ्ट एंड एस्ट्रोनॉट। और ये जो पार्टिकल है वो पेनिट्रेट कर देते हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को, इसके कारण पार्शियल आयोनाइजेशन हो जाता है आयनोस्फीयर का, और जो एनर्जेटिक प्रोटॉन होता है वो काफी सिग्निफिकेंट है रेडिएशन हैजार्ड को लेकर स्पेसक्राफ्ट और एस्ट्रोनॉट के लिए। कोरोनल मास इजेक्शन इज वन ऑफ द बिगेस्ट इरप्शन फ्रॉम द सन सरफेस दैट कैन कंटेन अ बिलियन टन ऑफ मैटर एक्सेलरेटेड टू सेवरल मिलियन माइल्स पर आवर इन टू स्पेस। द अंडरलाइंग काउज ऑफ CME इज नॉट वेल अंडरस्टूड। एस्ट्रोनॉमर एग्री हाउएवर दैट द सन मैग्नेटिक फील्ड प्ले अ मेजर रोल। जो कोरोनल मास इजेक्शन होता है ये एक बिगेस्ट इरप्शन है सन के सरफेस पे जो कि कंटेन करता है बिलियन टन्स मैटर जो कि एक्सेलरेटेड है सेवरल मिलियन माइल्स पर आवर से स्पेस में। ये जो अंडरलाइंग काउज है कोरोनल मास इजेक्शन के लिए इसके बारे में अच्छे से नहीं पता है। एस्ट्रोनॉमर ये बात मानते हैं कि जो सन का मैग्नेटिक फील्ड है उसका एक महत्वपूर्ण भूमिका है इसके लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्म फोर्स प्रिपेटरी स्कूल। हम जानेंगे आर्म फोर्स प्रिपेटरी स्कूल के बारे में। The Armed Force Preparatory School is a part of project announced by the Delhi government in its 2021 Deshbhakti Budget. जो Armed Force Preparatory School है वो पार्ट है उस प्रोजेक्ट का जिसको कि अनाउंस किया गया था दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा उनके 2021 के देशभक्ति बजट में। मकसद इसका क्या था? इन हेल्पिंग स्टूडेंट प्रिपेयर फॉर एंट्री इन टू द नेशनल डिफेंस अकेडमी एंड अदर सर्विस। ये मदद करेगा स्टूडेंट को तैयारी करने के लिए नेशनल डिफेंस अकेडमी और अदर सर्विसेज के लिए। इट विल बी द फर्स्ट फुल्ली रेसिडेंशियल स्कूल सेटअप बाय द दिल्ली गवर्नमेंट। और ये पहला पूरी तरीके से रेसिडेंशियल स्कूल होगा जिसको
सेटअप किया जाएगा दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। एलिजिबिलिटी इसके लिए क्या होगा, द स्कूल विल बी फ्रॉम क्लास 9 to 12 एंड एडमिशन विल बी कंडक्टेड 400 स्टूडेंट इन ईच क्लास, ऑफ दिस 60 विल बी बॉयज एंड 40 विल बी गर्ल्स इन ईच ग्रेड। जो स्कूल होगा उसमें क्लास 9 से 12 तक के लिए एडमिशन जो है कंडक्ट किया जाएगा 100 स्टूडेंट के लिए हर एक क्लास में, इसमें 60 जो है वो बॉयज होंगे 40 गर्ल्स होंगे हर एक ग्रेड के। द स्कूल विल हैव एन एकेडमिक विंग एंड ए सर्विस प्रिपेरेटरी विंग, और ये जो स्कूल होगा इसमें एक एकेडमिक विंग और एक सर्विस प्रिपेरेटरी विंग होगा। सर्विस प्रिपेरेटरी विंग इज एम्ड एट नर्चरिंग द आइडेंटिफाइड पोटेंशियल एंड इम्प्रूविंग द आइडेंटिफाइड गैप वर्किंग एरिया एंड इनकल्केटिंग ऑफिसर लाइक क्वालिटी इन द स्टूडेंट। और जो सर्विसिंग है वो प्रिपेयर करेगा, इसका मकसद होगा नर्चर करना आइडेंटिफाइड पोटेंशियल को, इम्प्रूव करना आइडेंटिफाइड गैप को और काम करना वैसे एरिया पे ताकि इनकल किया जाए ऑफिसर लाइक क्वालिटी को स्टूडेंट में, ताकि वो पहले से ट्रेन रहे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ईसीजीसी लिमिटेड। हम जानेंगे ईसीजीसी लिमिटेड के बारे में, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो जो आपका एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, उसने अभी रशिया को रेस्ट्रिक्टेड कवर कैटेगरी पर रखा है, अर्लियर ये ओपन कवर कैटेगरी में थे। ओपन कवर कैटेगरी इनेबल करता है पॉलिसी होल्डर को ऑब्टेन कर सकते हैं कवर को मोर लिबरलाइज बेसिस पे। तो ये है कि हम ये जानेंगे किस पे रखा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये गवर्नमेंट ओन एक्सपोर्ट क्रेडिट प्रोवाइडर है, ये प्रोवाइड करता है एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस सपोर्ट इंडियन एक्सपोर्टर को। इट इज अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका जो ओनरशिप है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इट इज बेस्ड इन मुंबई, ये आपका बेस्ड है मुंबई पे। इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1957, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1957 के समय पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आईपीसीसी रिलीज पार्ट ऑफ द 6 असेसमेंट रिपोर्ट। आईपीसीसी ने रिलीज किया है जो पार्ट है 6 असेसमेंट रिपोर्ट का, तो उसके बारे में हम जानेंगे, फिर ये आईपीसीसी क्या है इसको भी कंसीडर करेंगे। तो जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है आईपीसीसी, उसने रिलीज कर दिया जो सेकंड पार्ट था इसके 6 असेसमेंट रिपोर्ट का। जो पहला पार्ट था उसको रिलीज किया गया था 2021 में। आईपीसीसी द इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज तो जो आपका इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसको एस्टैब्लिश किया गया था 1988 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। तो कब एस्टैब्लिश किया गया था, किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था, यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1988 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। इट वॉज लेटर इंडोर्स बाय द यूएन जनरल असेंबली मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल मेंबर ऑफ द डब्ल्यूएमओ एंड यूएन। बाद में इसको इंडोर्स किया गया यूएन जनरल असेंबली के द्वारा और इसका जो मेंबरशिप है वो ओपन है सारे मेंबर्स के लिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन के। आईपीसीसी प्रोड्यूस रिपोर्ट दैट कंट्रीब्यूट टू द वर्क ऑफ यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, द मेन इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन क्लाइमेट चेंज। और जो आईपीसीसी है ये प्रोड्यूस करता है रिपोर्ट को जो कंट्रीब्यूट करता है वर्क के लिए यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के लिए, जो कि मेन इंटरनेशनल ट्रीटी है क्लाइमेट चेंज को लेकर। जो ऑब्जेक्टिव है UNFCCC का कि स्टेबलाइज किया जाए ग्रीन हाउस गैस के कॉन्सेंट्रेशन को एटमॉस्फेयर पे एक लेवल पे, ताकि प्रिवेंट किया जा सके डेंजरस एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन इंड्यूस्ड इंटरफेरेंस को क्लाइमेट सिस्टम से। व्हाट आर दी असेसमेंट रिपोर्ट, ये असेसमेंट रिपोर्ट है क्या, तो हर एक कुछ सालों में जो आईपीसीसी है ये प्रोड्यूस करता है असेसमेंट रिपोर्ट को, जो कि मोस्ट कम्प्रिहेंसिव साइंटिफिक इवेल्युएशन होता है स्टेट ऑफ द आर्ट क्लाइमेट का। इसमें क्या होता है, जो साइंटिस्ट है अराउंड द वर्ल्ड वो रिलीवेंट साइंटिफिक लिटरेचर जो है रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज को ड्रॉ करता है लॉजिकल कंक्लूजन के साथ। अभी तक 5 असेसमेंट रिपोर्ट जो है उसको प्रोड्यूस किया जा सका है। जो पहला था उसको रिलीज किया गया था 1990 पे। जो आईपीसीसी का 5th असेसमेंट रिपोर्ट था, जबकि क्रिटिकल साइंटिफिक इनपुट प्रोवाइड करता है UNFCCC को लेकर पेरिस एग्रीमेंट में 2015 का था। हाईलाइट इसका क्या था, तो रैपिडली एडवांसिंग क्लाइमेट चेंज के बारे में ये बता रहा है, जो मेल्टिंग हो रहा है ग्रीनलैंड आइसशीट का, जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है कोरल रीफ का, जो क्लाइमेट रिलेटेड इंपैक्ट पड़ रहा है, ये हिट कर रहा है वर्ल्ड को हाई एंड पे और ये काफी जल्दी जल्दी हो रहा है। प्रीवियसली जैसा कि एसेस किया गया था आईपीसीसी के द्वारा उस कंपेरिजन पे, लिमिटेशन है टेक्नोलॉजी का जो यूज हो रहा है कुछ टेक्नोलॉजी का, जिसको डिजाइन किया गया लिमिट करने के लिए वार्मिंग को या रिड्यूस करने के लिए CO2 को, ये जो है मैटर को और ज्यादा वॉश कर रहा है बेटर बनाने की जगह। इंपैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, जो इंपैक्ट पड़ रहा है अर्बनाइजेशन का, जो लार्ज सिटी है वो हॉटस्पॉट बन गया क्लाइमेट इंपैक्ट का, वो ऑफर कर रहा है रियल अपॉर्चुनिटी को, ये अवॉइड कर रहा है वॉश इंपैक्ट को वार्मिंग का। लिमिटेड अपॉर्चुनिटी फॉर मिटिगेशन, बहुत कम अपॉर्चुनिटी बताया मिटिगेशन के लिए। रिपोर्ट ने वन किया है कि जो अपॉर्चुनिटी है एक्शन का वो सिर्फ रेस्ट लास्ट कर सकता है डिकेड तक के लिए, यानी जल्दी से जल्दी एक्शन लेना होगा, नहीं तो परिणाम जो है बहुत बुरा होगा। सम प्रोजेक्शन ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ 6th रिपोर्ट, कुछ जो प्रोजेक्शन है पहला पार्ट का 6th रिपोर्ट का, हम इसको देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम इनकॉर्पोरेटिंग द लेटेस्ट अवेलेबल साइंटिफिक एविडेंस, द 6th असेसमेंट रिपोर्ट इज ऑल्सो अटेम्प्टिंग टू प्रोवाइड मोर एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन टू हेल्प गवर्नमेंट टेक पॉलिसी डिसीजन। जो इनकॉर्पोरेट तो कर ही रहा है लेटेस्ट अवेलेबल साइंटिफिक
असेसमेंट एविडेंस को, जो सिक्स असेसमेंट रिपोर्ट है, ये कोशिश कर रहा है प्रोवाइड करना और ज्यादा एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन को, ताकि गवर्नमेंट को मदद किया जा सके पॉलिसी डिसीजन लेने पे। जैसे कि वो बता रहा है रीजनल फोकस को लेके, ये एक्सपेक्ट किया जाए कि ये जो रिपोर्ट है वो लाइकली स्टेट करेगा कि क्या सिनेरियो है सी लेवल राइज का बे बंगाल रीजन पे, और जो एवरेज सी लेवल राइज हो रहा है वर्ल्ड पे उसके बारे में ये बताने में मदद करेगा। राइज ऑफ एक्सट्रीम इवेंट, जो राइज हुआ एक्सट्रीम इवेंट का, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बिगर फोकस होगा एक्सट्रीम वेदर इवेंट के ऊपर, जैसा कि हम लोगों ने देखा है लास्ट फ्यू वीक्स में वल्नरेबिलिटी ऑफ अर्बन एरिया, जो वल्नरेबिलिटी है अर्बन एरियाज का, तो जो डेंसली पॉपुलेटेड मेगा सिटीज है वो सपोज किया जा रहा है कि वो मोस्ट वल्नरेबल होंगे, उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा क्लाइमेट चेंज का। रिपोर्ट में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो प्रेजेंट स्पेसिफिक सिनेरियो है क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट करेगा सिटी को और लार्ज अर्बन पॉपुलेशन को, और इसका इम्प्लीकेशन पड़ेगा की इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी। सिनर्जी ऑफ क्लाइमेट एक्शन इज नीडेड, आवश्यकता है कि एक सिनर्जी बनाया जाए क्लाइमेट एक्शन की, तो जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो प्रेजेंट करेंगे एक इंटीग्रेटेड अंडरस्टैंडिंग को इस सिचुएशन को लेकर, क्रॉस लिंक करेंगे एविडेंस को, डिस्कस करेंगे ट्रेड ऑफ को, जो डिफरेंट ऑप्शन और पाथवे है, और कवर करेंगे सोशल इम्प्लीकेशन को क्लाइमेट चेंज एक्शन को लेकर, जो कि आवश्यक है कंट्रीज के लिए। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक, फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एंड गिव us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.